हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस की और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसकी अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो इस प्रोसेस में सलूट मूव करता है सलूट कहां से कहां तक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन किसकी की की तो सलूट का हाई कॉन्सेंट्रेशन यहां पे जैसे ही हम एक बीकर में सॉल्वेंट में सोलूट को ऐड करते हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा होगी कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे सल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यूनिफॉर्मली सो इट विल मूव फ्रॉम हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सोलूट कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इन डिफ्यूज सिस्टम और ये सिस्टम यूनिफॉर्म होता है यहां पे हर कोने में सोलूट पहुंच चुका है अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो इसमें सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सलूट ऑफ सलूट ओके तो यहां पे सोलूट मूव कर रहा था हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन खुद के और यहां पे सॉल्वेंट मूव करेगा लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सलूट तो जैसे ही ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेंब्रेन को यूज करना मैंडेटरी हो जाता है दिस इज सेमी परमेबल मेंब्रेन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसपीएम इन शॉर्ट फॉर्म एक साइड में हमने लो कॉन्सेंट्रेशन लिया है सोल्यूट की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन लिया जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है सॉल्वेंट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट मूव करने लगता आप देख रहे होंगे मूव कर करके फाइनली यहां पे सॉल्वेंट का लेवल कम हो जाएगा यहां पे सॉल्वेंट का लेवल ज्यादा हो जाएगा और तब तक मूव करता रहे, रहेगा सॉल्वेंट लेफ्ट टू राइट जब तक कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन और इधर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट सो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव कर रहा है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहां पे था यहाँ पे हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन था फाइनली सेम इक्विलिब कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड में हो गया यहां पे और यहां पे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है ठीक है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद ये प्रोसेस रुक जाता है सो इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सो हियर सलूट मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सलूट यहां पे एंड हियर द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट और यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही मेजर डिफरेंस है तो आई थिंक आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग